है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं, सुबह के 9 बज गए और अभी मैं जस्ट घर से तैयार होकर निकल गया था। अभी मैं गणपति मंदिर यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मतलब आज पूनम भी थी, तो पापा बोल रहे थे कि बेटा आज पूनम भी है तो पूनम के दिन मतलब जगह पानी देना ज़रूरी है कबूतरों के लिए यहाँ पर। तो मैं वैसे तो मैं अभी गेहूँ लेके आया हूँ और यहाँ पर बहुत सारे मक्खी वगैरह भी थी और बाय द वे मौसम भी बहुत अच्छा है, ठंडा बना हुआ है, बादल भी है, बारिश नहीं है और यहाँ पे बहुत शांति फील होता है क्योंकि मंदिर में आने के बाद बहुत शांति फील होता है अपने को। और फिलहाल तो यहाँ पे बहुत अच्छा सीन दिखाई दे रहा है, तो आगे का सीन भी दिखाऊंगा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। चलो चलते हैं गाइज। मैं महादेव की मंदिर के यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया था, दर्शन तो कर लिया मैंने वैसे तो। बाय द वे यहाँ पे सीन अच्छा दिख रहा था तो दर्शन कर लिया मैं यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आया, जल भी चढ़ा लिया और यहाँ का सीन बाय द वे बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ फिलहाल दो दो तीन जने बैठे हैं और यहाँ पे जल चढ़ा रहे, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीन दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चे जल चढ़ा रहे हैं बहुत ही यहाँ पे सीन। और गार्डन बहुत ही अच्छा है, गाढ़ा सीन, गार्डन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बाय द वे यहाँ का सीन बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मतलब खुली खुली हवा भी आ रही है, मतलब यहाँ पर हरा भरा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर सीन। और यहाँ पर सामने जस्ट मतलब बहुत सारी औरतें आती है और यहाँ पर मतलब रोज़ पूजा पाठ करती है और हवन में बैठे रहते हैं, मस्त मतलब जो भी है उनकी भजन गाते रहते हैं और सुबह सुबह रोज़ आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करते रहते हैं, बहुत अच्छा सीन लगता है यहाँ पे। ये यहाँ पे मतलब हमारे रानी स्टेशन में ये गणपति का मंदिर बहुत बड़ा है, एक ही मंदिर है यहाँ पे फिलहाल। तो अभी मैं घर पे जा रहा हूँ और आगे का सीन दिखाऊंगा आपको। गाइज मैं दर्शन करके तो बाहर आ गया हूँ मंदिर से वैसे बाहर, और जस्ट मंदिर के सामने ही मेरी एक स्कूल है जो कि मैंने 8 क्लास तक पढ़ाई की थी और ये स्कूल मेरी मतलब बचपन की स्कूल थी और बहुत ही यादगार स्कूल रही है मतलब। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना दर्शन करने के लिए, कभी कभार तो मैं बॉम्बे चला जाता हूँ काम करने के लिए, तो समझ लो समथिंग 6 महीने में एक बार मैं घर पर आता हूँ जैसे ही, तो 6 महीने घर पर 6 महीने में मैं एक बार घर पर आता हूँ तो कभी कभार यहाँ मैं गणपति मंदिर में दर्शन करने के लिए आता रहता हूँ। तो जैसे दर्शन करने के लिए आता हूँ ना तो मैं जस्ट स्कूल में जाता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने 8 क्लास तक यहाँ पढ़ाई की थी। स्टार्टिंग मेरी फर्स्ट मेरी पढ़ाई यहीं से हुई थी 8 क्लास तक, फिर उसके बाद 12th मैंने बाहर से की थी। और यहाँ पे मतलब स्कूल बहुत अच्छी लगती है और यहाँ का सीन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लोग खेलते थे क्रिकेट वगैरह और खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, अभी पूरा सीन मतलब अलग ही हो गया अभी, अब पहले जैसे माहौल रहा ही नहीं, फिर भी ये माहौल अच्छा लगता है। चलो चलते आपको दिखाता कुछ। गाइज ये मेरी स्कूल थी, ये स्कूल मेरी 8 क्लास तक स्कूल थी, मैंने स्कूल में पढ़ाई यहाँ से की थी फर्स्ट स्टार्टिंग में 8 क्लास तक। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, मतलब ये स्कूल बहुत अच्छी स्कूल थी, आज भी मुझे याद आती है, बहुत मिस करता हूँ। और गाइज आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मेरी जब मैं छोटा था, जब हम 4th क्लास में पढ़ते थे, 4th से 5th क्लास में, तब हमको एक मतलब टास्क दिया जाता था कि पेड़ लगाना मतलब। तो हम लोगों ने मतलब हम चार फ्रेंड थे, हम चारों ने मतलब ये वाला जो पेड़ दिख रहा है तेरा, ये वाला और ये वाला पेड़, ये दोनों पेड़ हम लोगों ने लगाया था। आज ये पेड़ कितना बड़ा हो गया, मतलब बहुत बड़ा हो गया पेड़, आज मतलब पूरी छाया दे रहा, नीम का पेड़ बहुत बड़ा हो गया। एक्चुअल में मतलब हम लोगों ने एक ग्रुप बंडल था, ग्रुप के थ्रू हम पेड़ लगाते थे घर, और अभी मतलब बहुत सारे पेड़ लगा दिए, अभी लाइन से बहुत सारे पेड़ हो गए यहाँ, बहुत सारे पेड़। मेरी कुछ मतलब यादगार चीज़ें हैं तो वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे मतलब करना, वीडियो बनाना इसलिए। चलो चलते अभी आगे का सीन कुछ रहेगा तो आपको दिखाऊं। गाइस ये मेरा दोस्त है जो दो दिन से यही पढ़ा है और ये गेम खेलता रहता है, बाकी कुछ करता नहीं है, अपना चेहरा दिखाता नहीं है कैमरे के सामने और ये बहुत शर्माता है।
ये गेम खेलता रहता है। गाइस हम जैसे एटीएम में पैसे निकालने के लिए आए थे, बट इस एटीएम में तो पैसा है ही नहीं। अभी मेरे को आगे जाना पड़ेगा, थोड़ा दूर है, और जो कि हमारे ये थे परता बाजार है, और हमको मेन बाज़ार में जाना पड़ेगा। वहाँ पे मतलब पता नहीं पेटीएम पैसा होगा या नहीं होगा। चलो ट्राई तो करते हैं, क्योंकि एटीएम में वैसे पैसा तो नहीं है। चलो चलते हैं, वहाँ एटीएम में चलते हैं अपन, वहाँ पे पैसा होगा शायद। चलो चलते आगे पैसे निकाल। गाइस तो वहाँ पे तो पैसे नहीं थे, फाइनली हम इधर मेन बाज़ार में आ गए और यहाँ पे एटीएम में पैसे है। तो भाई ने बोला कि यहाँ पे पैसे निकाल देते हैं, पैसे हैं एटीएम में, तो हम यहाँ पे पैसे निकाल रहे हैं। भीड़ तो नहीं है एटीएम में, वैसे खाली है, बैंक में भी भीड़ नहीं है आज। हम पैसे निकाल देते हैं, चलो चलते। गाइस तो अभी हम फालना जाने वाले हैं, क्योंकि अभी मतलब मेरे दोस्त मतलब फालना अर्जेंट कोई काम था और उसको जाना था फालना, तो मैं उसके साथ में फालना जा रहा हूँ। बस तो मिल गई है, वैसी बस तो अभी पता नहीं कब रवाना होगी, लेकिन बस में तो बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद बस में ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। चलो अभी चलते हैं, फालना जाना है। ओके गाइस, फालना आ गया। तो वैसे हम उतरने वाले हैं, अभी हम उतर जाते जल्दी फटाफट, सब लोग उतर गए इसके लिए। अभी कहाँ जाना है अपने को? शांतिलाल जी की दुकान पे जाना। अभी गाइस हमको शांतिलाल जी की दुकान पे जाना पड़ेगा, उनका कोई डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करवाना है इसके लिए। चलो चलते हैं अपन। अभी गाइस फालना भी काफ़ी चेंज हो गया है, मतलब बाय द वे यहाँ का मतलब ब्रिज एकदम पूरा बड़ा बन गया और पूरा फालना चेंज हो गया है, क्योंकि इससे पहले फालना इतना चेंज नहीं था। और अभी ब्रिज भी अच्छा बना है, ऊपर ऊपर से गाड़ी भी जा सकती है, मतलब पूरा फालना अपडेट हो गया एक तरह से। हाँ तो वैभव, अभी एक साल के बाद तेरे को फालना कैसे दिखने को मिल रहा है अभी चेंज? बस लोग कम हो गए, थिएटर वेटर बंद हो गए, खालसा होटल भी बंद हो गई है, ब्रिज पता नहीं कब से बन गया, 6 साल से बन रहा है शायद ब्रिज ही है। गाइस एक्चुअल में क्या है कि ब्रिज तो 6 साल से बन रहा है, लेकिन अभी फाइनली तो बन गया है, क्योंकि इसमें क्या बहुत प्रॉब्लम रहती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता था और लोगों को फाटक से उस पार जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ट्रेन आ जाती थी, रिक्स भी रहता था, क्योंकि कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई बार तो कट के मर भी जाते हैं लोग, इसलिए परेशानी होती थी। वैसे तो सीन अच्छा ही किया है बाय द वे, कोरोना के कारण मतलब कि ट्रेनें वगैरह सब बंद हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मार्केट में पैसा नहीं आ रहा था, लोगों को खाने पीने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अभी जैसे फालना में ये थिएटर वगैरह सब बंद हो गया है, होटल वगैरह सब बंद हो गया है, अभी बाय द वे अभी तक चालू किया नहीं है, अब पता नहीं कब चालू करेंगे ये कोई आइडिया नहीं है। अब फिलहाल तो इनका मेरा भाई है जो इनका डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना था, और उनके साथ अभी जा रहा है शॉप पे। चलो चलते आगे, वो सीनों का दिखाऊंगा। फालना आए थे, तो बाय द वे मेरे फ्रेंड का जो भी है काम उसका हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, और अभी वापस हम रानी स्टेशन जा रहे हैं और फाटक क्रॉस कर रहे हैं। मौसम वापस वेदर चेंज हो गया, मौसम वापस बोल रहे शायद लग रहा है बारिश तो नहीं होगी। ठीक है हम वापस जा रहे हैं, अब घर पे जाना पड़ेगा, लेट हो गया, 3 बज गए यार। चलो चलते हैं। गाइस अभी रानी स्टेशन आ गए, हमें उतरने वाले अभी, तो फाइनली हम रानी स्टेशन आ गए। अभी बारिश का मौसम बहुत बना हुआ रानी स्टेशन में भी, अभी चलते हैं अभी घर पे। ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको जो भी अच्छा रहेगा दिखाएंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना।